नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोलोपार सस्पेंशन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डोलोपार सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना चाहिए और डोलोपार सस्पेंशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि डोलोपार सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डोलोपार सस्पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। डोलोपार सस्पेंशन बुखार को कम करती है। इसके अलावा डोलोपार सस्पेंशन का उपयोग दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है। डोलोपार सस्पेंशन का उपयोग सिरदर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द, माइग्रेन के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में डोलोपार सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। डोलोपार एक ब्रांड नेम है। डोलोपार सस्पेंशन के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैरासिटामोल होता है। डोलोपार सस्पेंशन 120 mg पर 5 मिलीलीटर व 250 mg पर 5 मिलीलीटर और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोलोपार सस्पेंशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे डोलोपार सस्पेंशन दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर बच्चों में डोलोपार सस्पेंशन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादा खुराक में डोलोपार सस्पेंशन को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको डोलोपार सस्पेंशन को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही बच्चे को देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोलोपार सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार 10 दिन से अधिक डोलोपार सस्पेंशन को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना डोलोपार सस्पेंशन को लगातार 10 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे को डोलोपार सस्पेंशन या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे पैरासिटामोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे बच्चों को डोलोपार सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोलोपार सस्पेंशन को बच्चों को कैसे देना रिकमेंडेड होता है। डोलोपार सस्पेंशन को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। डोलोपार सस्पेंशन को डॉक्टर बच्चों के शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम डोज को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोलोपार सस्पेंशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।